আমরাও কলকাতা যেতে চাই। ব্রেকফাস্ট হিসেবে একজন মানুষের জন্য এটা যথেষ্ট পরিমাণ খাবার, এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছে। আমরা ওয়াশরুমে যে রাস্তা ছিল এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, রাজধানী এক্সপ্রেসটা নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর। স্বাগতম সবাইকে ভিচুয়াল রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করছি সেটা একটি রিকোয়েস্টেড ভিডিও, আর রিকোয়েস্ট করেছে সৈকত নাথ। আর ভিডিওর টাইটেলটি হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেস ফার্স্ট ক্লাস ফুড রিভিউ IRCTC ফুড ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ। তো রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লি টু কলকাতা এবং কলকাতা টু দিল্লি চলাচল করে সেটা আমরা জানি, তো এই ট্রেনেরই ফুড রিভিউটা আসলে দেখব আমরা এই ভিডিওতে। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল মুনসাইট HTT থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बाय द वे अभी मैं गया में हूँ एंड आज मेरा रिटर्न है कोलकाता के लिए, और मैं जा रहा हूँ तो राजधानी से जो कि सियालदा राजधानी है एंड सियालदा। और राजधानी में मैंने जो अपना टिकट है फर्स्ट क्लास में लिया था, और आपको भी पता होगा कि फर्स्ट क्लास अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, केबिन एंड कूप का। और मैंने कूप चूज करा था, लेकिन कूप इतनी इजिली तरीके से नहीं मिलता है और मुझे भी नहीं मिला, इसलिए मुझे केबिन मिल गया। लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि केबिन को भी अच्छे से दिखाऊं। और बेसिकली दोनों में बस फर्क इतना होता है कि केबिन में आपका चार सीट रहता है, दो इधर, और कूप में आपका बस दो रहता है, मतलब उसमें प्राइवेसी ज्यादा रहता है, बस यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी खाना पीना सब कुछ सेम होता है। अब पता नहीं, मेरा मॉर्निंग का ट्रेन है और काफी शॉर्ट रूट का भी ट्रेन है, मतलब मेरा जो ट्रेन है ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे का है और 10 बजे मैं सियालदा पहुंच जाऊंगा, तो इतने कम डिस्टेंस में पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट तो देना बनता है। तो मैं जल्दी से सब कुछ पैक करके स्टेशन के लिए निकलता हूँ। और वैसे मैं बता दूं, स्टेशन एकदम पास में ही, रोड के उस पार ही है, एकदम सामने ही मैंने अपना होटल लिया था, तो बाकी का बात मैं स्टेशन पहुंच के ही करता हूँ। ऑलराइट, तो मैं स्टेशन तो पहुंच गया हूँ, बट दिक्कत क्या है कि वो जो आपका कोच पोजीशन दिखाता है ना, ये छोटे छोटे LED यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये आपका कोच पोजीशन दिखाता है कि यहाँ पे H1 है या फिर यहाँ पे ये है वगैरह वगैरह, कोई भी काम नहीं कर रहा है। सारा स्टेशन का मैं देख रहा हूँ LED, मतलब कुछ तो बिगड़ा हुआ है, आधा अधूरा सा दिख रहा है, तो ये मेरे लिए काफी दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे इसका स्टॉपेज काफी कम देर के लिए है, 2 या 5 मिनट के लिए, अब उतना में मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। अब यही होगा कि जो भी मेरे सामने कोच आएगा उसी में मैं चढ़ जाऊंगा। तो 3:45 हो गया, बट अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म में यहाँ पे राजधानी का कोई नामो निशान नहीं है। बाय द वे अनाउंस हो गया है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रहा है। यात्री गण कृपया गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 1, 4 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आए। ऑलरेडी लग रहा है मेरे से पहले कोई था यहाँ पे, तो अभी सब कुछ अरेंज नहीं है। हम लोग का ये दोनों नीचे वाला सीट है 1 और 3, और यहाँ पे देखो एक लेडर बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। और एक चीज मैंने नोटिस करा, इसका सीट सब देखो काफी चौड़ा है, जो कि आपको AC 2 tier and 3 tier में मिलेगा उससे काफी चौड़ा है ये, एज यू कैन सी। और यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉकेट बने हुए हैं अगर आप अपना मोबाइल वगैरह रखना चाहते हो तो। और सामने यहाँ पे मिरर, और यहाँ पे बुक रीडिंग वगैरह के लिए लाइट भी है। तो ये है राजधानी के फर्स्ट क्लास का वॉशरूम, देख लो यहाँ पे, मतलब काफी साफ सुथरा है। और यहाँ पे देख लो शीशे पे लाइट लगा हुआ है, जैसे कि मेकअप रूम वगैरह पे लगा रहता है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। और बाकी यहाँ पे वही टैप, और अगर सेव वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट भी बना हुआ है, और यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए लिक्विड। मतलब राजधानी के फर्स्ट क्लास का जो वॉशरूम है ना, इसका जो लाइटिंग है, मैं बोलूंगा लाइटिंग भी इनका काफी अच्छा लगा मुझे, काफी ज्यादा ही सूट कर लिया मैंने वॉशरूम में। अब अपना कार्यक्रम वगैरह करके वापस से मैं जाता हूँ अपने केबिन में। और ये फर्स्ट क्लास में काफी अच्छा एक कॉरिडोर भी बना हुआ है, जहाँ पे आप खाना वगैरह खाने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन रेलवे में कितना खिला देते हैं पेट भर भर के, तो यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, काफी अच्छा सा एक कॉरिडोर बना हुआ है। फिलहाल मैं अपने केबिन में जाता हूँ अभी।
और ये अभी देखेगा एक पिलो और पता नहीं इसके अंदर बेडशीट वगैरह है, देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर एक हैंड टॉवल है और बाकी का ये बेडशीट। एंड ये जो आपको फर्स्ट क्लास में कंबल मिलता है, मैं बोलूंगा ये जो आपको 3 tier एंड 2 tier में मिलता है कंबल, उससे काफी ये अलग है और उससे काफी सॉफ्ट भी लग रहा है मुझे और अच्छे क्वालिटी का भी लग रहा है। बाकी ये देख लो, कुछ देर के लिए मेरा आशियाना। तो यहाँ पे जो बुक रीडिंग के लिए लाइट है वो मेरे ब्लॉगिंग में काफी काम आने वाला है, ये देखो। तो इससे काफी काम आसान हो जाता है वैसे। एंड अभी हम लोग को जस्ट पानी का बोतल मिला। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरा गया से सियालदा तक का टोटल टिकट का प्राइस कितना पड़ा इस राजधानी के फर्स्ट क्लास में। तो मैंने इस राजधानी के फर्स्ट क्लास के लिए पे करा है 4,506 रुपीज, वही समझ लो पर पर्सन 2,200 रुपीज के आसपास पड़ा है। और जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मुझसे मील का भी ऑप्शन पूछा गया कि आप वेज खाना लोगे या फिर नॉन वेज। तो अब अगर ये ऑप्शन में था तो कुछ ना कुछ तो खाने मिलेगा ही और ब्रेकफास्ट तो बनता ही है क्योंकि 10 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में। तो जो भी आएगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा जरूर। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए क्योंकि नींद में ही मैं उठ गया था इस ट्रेन को पकड़ने के लिए। अभी थोड़ा आराम करता हूँ, अभी कोई है भी नहीं तो आराम से फर्स्ट क्लास एकदम आराम से सोता हूँ मैं। तो इस केबिन के गेट को भी मैंने लगा दिया और पर्दा भी दे दिया है तो थोड़ा बहुत तो प्राइवेसी मिल ही रहा है मुझे। तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए, फिलहाल अभी सोता हूँ। फिर कुछ दिखाने लायक आता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बाकी में काफी काम का चीज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक में रखा हुआ है अपना पर्स और एक में रखा हुआ है मैंने अपना मोबाइल और ये काफी जरूरत भी पड़ता है। तो फर्स्ट क्लास का देखो यही एक फायदा है कि अभी देखो मैं भी यहाँ पे सोया हुआ था, वहाँ पे मम्मी सोई हुई है और वहाँ पे देखो इस केबिन का गेट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है अच्छे से, मतलब कितने आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम लोग सोए हुए हैं। वैसे एक बात तो मैं बोलूंगा, आपने इस राजधानी फर्स्ट क्लास के लिए इतना पैसा दिया हुआ, इतना पैसा देके आप ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन ये आपको अकड़ेगा नहीं कि आपने इतना पैसा देकर आप इसमें ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं अकड़ेगा। एक बार फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करके देखो, अभी तक मुझे खाना वगैरह कुछ भी नहीं मिला है फिर भी मेरे को अभी तक इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। अभी बाहर काफी डार्क है तो कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अब जब सुबह होगा तभी मैं आप लोगों को बाहर के कुछ नजारे दिखाऊंगा। तो मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए और अभी मैं नींद खुला है, अभी धनबाद जंक्शन आया हुआ है और ट्रेन एकदम राइट टाइम चल रहा है, बस मेरे को अभी अपनी चाय का वेट है। देखो चाय कब तक आता है क्योंकि चाय मुझे पीने का बहुत मन कर रहा है। और ये रहा इनका शावर एरिया और यहाँ पे देख लो शावर लगा हुआ है, आप आराम से नहा भी सकते हो। तो ये है फर्स्ट क्लास का फायदा, पूरा बोगी चिल्ड हो रखा है। तो मुझे तो नहीं नहाना है लेकिन अगर आपको नहाना है तो नहा सकते हो अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रेवल कर रहे हो तो। बाकी इनका भी यहाँ पे यही बेसिन और ये डस्टबिन, वैसे सब कुछ यहाँ पे तो सेम है। इस जगह में आपको एक बेल का स्विच भी मिल जाएगा, जैसे अभी मुझे सुबह हुआ है चाय पीना है और अभी तक चाय आया नहीं है तो मैंने अभी ये बेल बजाया और अभी एक बंदा आया था पूछने के लिए कि हाँ क्या हुआ क्या चाहिए आप, तो मैंने चाय बोल दिया है। ये काफी सही चीज है, अब जब मेरा चाय आ जाता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये अभी कुछ देर पहले मैंने अपना चाय बोला ही था और ये चाय आ भी गया है। चलो दिखाता हूँ कि चाय के साथ और क्या क्या है। पहले तो ये चाय सामग्री, तो इसके अंदर था ये मिल्क पाउडर, चीनी एंड चाय पत्ती और साथ में ये बिस्किट भी आया हुआ है और इसके अंदर एक कटलरी एक स्पून। तो चलो मैं फटाफट अपना चाय बनाता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा चाय बन के रेडी, देखते हैं कैसा है ये चाय, ठीक ठाक सा लग रहा है। बाकी ये तो आपके ऊपर है कितना पानी आपने डाला है और कैसे पाउडर मिल्क आपने ऐड करा है, ये सब आपके ऊपर है। तो सुबह के चाय के साथ ये आ गया हम लोग का सुबह का अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए आसनसोल, बस धीरे धीरे मैं अपने घर के करीब आ रहा हूँ। अब मुझे अपने ब्रेकफास्ट का वेट है, देखो कब तक आता है। तो
तो हम लोगों ने दुर्गापुर स्टेशन को भी क्रॉस कर दिया, बट अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। तो ये अभी बज गया ऑलमोस्ट 8:30 और यहाँ पे आ गया है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, ये देख लो यहाँ पे। और मैं बताता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। पहले तो ये वेज में ये कटलेट है और साथ में उपमा है, और यहाँ पे है कॉर्नफ्लेक्स, ब्राउन ब्रेड, केला, वापस से एक बार चाय और वही चाय सामग्री वगैरह, एंड टोमेटो केचप, एक बटर और साथ में ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, और यहाँ पे वही कटलरी सब। एंड मेरा भी वही सेम ही है, बस नॉन वेज है तो ये ऑमलेट है और ये मम्मी का वेज है, चॉकलेट एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। बाकी यहाँ पे देखो सब कुछ सेम ही है, वही चाय सामग्री, कटलरी, कॉर्नफ्लेक्स, ब्राउन ब्रेड, इसमें मैं बनाऊंगा अपना कॉर्नफ्लेक्स ये चाय के लिए। अब मैं दिखाता हूँ इन सब में क्या क्या है। तो इसके अंदर है मेरा यहाँ पे ऑमलेट, फ्रेंच फ्राइज और यहाँ पे कुछ बॉइल्ड मटर दिख रहा है, बाकी देख लो ये। और ये दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर, और ये रहा उपमा, एंड इसके अंदर है ये वेज कटलेट। तो फिलहाल देख लो हम लोग का ये ब्रेकफास्ट का सीन है, यहाँ पे वेज कटलेट और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, और यहाँ पे ये मेरा ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह सब कुछ। तो अब मैं बता दूं, मैंने अपने लिए नॉन वेज चूज करा था तो मेरे पास ऑमलेट एंड बॉइल्ड एग का ऑप्शन था, तो मैंने ऑमलेट लिया। और बाकी ये सब तो सब कुछ सेम ही है, अगर आप वेज भी चूज करते हो तो वेज में भी आपको ये सब कुछ सेम ही मिलेगा, बस आपको फर्क ये ऑमलेट में और ये कटलेट में मिल जाएगा। अब मैं इन सारे को टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा लगा मुझे राजधानी के फर्स्ट क्लास का ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो मैं इस कॉर्नफ्लेक्स को खाता हूँ, इसका टेस्ट तो सेम ही होगा। अब मैं कॉर्नफ्लेक्स के टेस्ट के बारे में क्या बताऊँ, इसका तो आपको भी पता ही होगा, वैसे अच्छा है ये। अब मैं टेस्ट करता हूँ इस ऑमलेट को। तो इस ऑमलेट में काफी कम तेल यूज किया गया है, एक तरह से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है, सही है। और इस बाकी के ऑमलेट को इस ब्राउन ब्रेड में डालकर सैंडविच बना के खाऊंगा, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं अपना सैंडविच कैसे बनाता हूँ। अब देखता हूँ ये वेज कटलेट कैसा है, थोड़ा केचप भी डाल लो। सही है यार, तो काफी अच्छा टेस्ट कर रहा है ये वेज कटलेट। और अगर मैं इसके अंदर स्टफिंग की बात करूँ तो जितने भी वेजेस डाले हुए हैं ना इसमें, सारे के सारे फ्रेश लग रहे हैं, काफी सही है। और चाहे इनका ऑमलेट हो या फिर कटलेट हो, सभी चीजों में इन लोगों ने तेल काफी कम यूज करा हुआ है, जो कि काफी अच्छा बात है। वैसे ये कटलेट तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अब देखता हूँ ये उपमा कैसा है। उपमा का टेस्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम तेजस एक्सप्रेस में उपमा ट्राई करा था वो इससे बेटर था, थोड़ा फीका है, मतलब थोड़ा और फ्लेवर हो सकता था इसमें, अदरवाइज वो तेजस वाला ज्यादा बेटर था इससे, वैसे चलेगा ये। तो ओवरऑल मेन सारे आइटम को मैंने ट्राई कर लिया है, अब मैं जाता हूँ अपना सैंडविच बनाने के लिए, तो आप लोग भी देखो मैं अपना सैंडविच कैसे बनाता हूँ। देखता हूँ मैंने अपना सैंडविच कैसा बनाया। वाह, बहुत ही अच्छा सैंडविच बना, और ऊपर से ब्रेड भी फ्रेश है ना, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। तो चलो अब जल्दी से इन सबको मैं फटाफट खत्म कर लेता हूँ, फिर मेरा स्टेशन भी आने वाला है और उतरना भी है मुझे। तो ब्रेकफास्ट तो फर्स्ट क्लास मैंने कर लिया है कम्प्लीट, और अभी मैं वापस से एक बार चाय बना के पी रहा हूँ। इस टाइम पहले वाले से ज्यादा बेटर बना है। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैंने टिकट का प्राइस बताया सब कुछ टिकट के प्राइस में इंक्लूड था, किसी भी चीज के लिए मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं कराया। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, किसी भी चीज के लिए मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं कराया। और हम लोगों का शॉर्ट जर्नी है इसलिए हम लोग को बस ब्रेकफास्ट मिला, अगर लॉन्ग जर्नी होता ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी मिलता, फिर शाम का नाश्ता भी मिलता। तो यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन बस 20 किलोमीटर ही है, मतलब मेरा जो स्टॉपेज है वो आने ही वाला है। होप कि आप लोगों को मेरा ये राजधानी का जर्नी पसंद आया हो। और मैं बता दूं ये जो जर्नी था काफी शॉर्ट था, लेकिन मेरे को काफी अच्छा लगा है जर्नी में, मतलब इतने कम टाइम में भी इन लोगों ने काफी कुछ खाने को दे दिया। वही मैं सोच रहा हूँ अगर लॉन्ग जर्नी होता तो और भी कुछ मैं आप लोगों को दिखा पाता। खैर कोई नहीं, बहुत जल्द मैं वापस राजधानी में हावड़ा टू न्यू दिल्ली का एक टिकट करवाऊंगा, उसमें मैं फुल जर्नी को कवर करूंगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को राजधानी के फुल जर्नी पे एक वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ बनाने के लिए। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख लोगे तो ऑब्वियसली ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग और मेरे इस राजधानी के फर्स्ट क्लास में जर्नी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा सारे को रिप्लाई करने का। और आप लोग भी जाते जाते एक लाइक और प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना, और ये वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना मेरे इस फैमिली का हिस्सा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
टैक्सी अंदर चलो कोलकाता टैक्सी। আমরাও কলকাতা যেতে চাই, আবারও যেতে চাই, কিন্তু কলকাতা থেকে আবার রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লিও যেতে চাই। এই জার্নিটা শর্ট ছিল ওর, কেননা ও মাঝ রাস্তা থেকে উঠেছে। সে যদি মানে পারফেক্ট টাইমে উঠতো ট্রেনে সন্ধ্যায় কিংবা যখন, আই মিন লং জার্নিতে যদি সে উঠতো তাহলে হচ্ছে সে আরও অন্য অন্য বেলার খাবারগুলোকেও সে রিভিউ দিতে পারতো, যদিও শুধুমাত্র সে এখানে সকালের নাস্তাটা এবং সকালে যে নাস্তাটা রিভিউটা সে করেছে তার অলমোস্ট কিন্তু মানে রেডিমেড ছিল বলা চলে। যেমন কমপ্লেক্স এখানে আসলে নতুন করে কিছু বলা নেই, না তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত অল্প সময়ে যে তারা এতগুলো খাবার দিয়েছে, কম খাবার না কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দিয়েছে, ব্রেকফাস্ট হিসাবে একজন মানুষের জন্য এটা যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আমার মনে হয়। আর জানিটা আসলে আরো ডিস্টেন্সে হলে ভালো লাগতো আমাদেরও, যে অন্য অন্য বেলার খাবারগুলো কী কী দিয়েছে আমাদেরও জানা থাকতো, ভবিষ্যতে যদি কখনো যাই বা কখনো জার্নি হয় রাজধানী এক্সপ্রেসে জানা থাকলে ভালোই হতো। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা আমার কাছে ভালোই লেগেছে, যে হ্যাঁ কেননা ফার্স্ট ক্লাসটা অনেক সুন্দর ছিল, তার মধ্যে ওখানে গোসল করার মতো ব্যবস্থা ছিল, ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ এটা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছে, আমরা তো এরকম দেখিনি অন্য কোথাও যে এরকম গোসল করারও ব্যাপারটা থাকে। ইয়েস, এবং ওয়াশরুম খুবই ক্লিন ছিল, যেটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। অর্ধেক জার্নি করার পরও ওয়াশরুম ক্লিন, তার মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্লিন করছে অথবা অরিজিনালি ক্লিন থাকছে, এরকম বা যারা ইউজ করছে তারা সেভাবে ইউজ করছে, পরিষ্কার করছে। এবং যে কামরাটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল সেটাও নেট অ্যান্ড ক্লিন ছিল যথেষ্ট পরিমাণে এবং খুব সুন্দরভাবে গোছানো। হ্যাঁ পরিপাটি ছিল, গোছানো ছিল, এবং সেখানে কিন্তু সে বারবার দেখাচ্ছিল যে মোবাইল বা তোমার মানি ব্যাগ এই জাতীয় জিনিস রাখার জন্য জায়গা ছিল, তারপর আলাদা লাইট ছিল পড়াশোনা করার জন্য। হ্যাঁ এবং ওয়াশরুমে যে রাস্তা ছিল এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, যেমন মেকআপ রুমে থাকে সেরকম, সো কেউ যদি মনে করে যে একটু মেকআপ করবে তাহলে কিন্তু ট্রেনে সে খুব সুন্দরভাবে মেকআপ করতে পারবে। অনেকে আছে না এখন সেলফি তুলে তারপর ছবি নিতে চায়, সেক্ষেত্রে মনে হয় লাইট গুলো অনেক ঝিকিমিকি কাজে দিবে। হ্যাঁ ওয়াশরুমে গিয়ে সেলফি তুলবে এবং বোঝাও যাবে এটা ওয়াশরুমের মধ্যে ছিল না, মনে হয় ওয়াশরুমের বাইরে, না সম্ভবত ওয়াশরুমের ভিতরেই ছিল। এবং করিডোরটাও খুব সুন্দর ছিল, যথেষ্ট পরিমাণে স্পেস ছিল হাঁটার জন্য, তো আই থিঙ্ক রাজধানী এক্সপ্রেসটা নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর। তো জার্নির শর্তে আমরা ভিডিওটাও অনেক বড় করতে পারছি না, কারণ জার্নিটা আসলে অনেক শর্ট ছিল এবং তাদের খাবার দাবার যেগুলো দেওয়ার কথা হয়তো বা অন্য অন্য অনেক বেলা থাকলে সেগুলোতে যত খাবার থাকতো বা রিভিউ দেওয়া যেত সেরকম কোনো কিছু ছিল না, শুধুমাত্র সকালের নাস্তা। তো ওভারঅল ভিডিওটা আমাদের ভালো লেগেছে, আর আজকে যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।